Good morning students, I welcome all of you in my class. Now we proceed with the lecture number 2 for your revision class. Let's start. Students, मैंने आपको previous lecture में आपको first chapter के 5 important questions discuss किए थे जो आपके board exams में 100% आने वाले हैं. तो आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, मैथ साइंस की सीरीज को. तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कोई भी आपके पास नंबर दिया होगा, जैसे यहां पर था 14587 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रेज टू पावर 4 विल बी टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस. तो स्टूडेंट्स, आपको पता है आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक्सरसाइज 1.4 है मैथ्स के अंदर, वो आपकी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पर है. कभी भी हमें चेक करना होता है कि कोई भी नंबर टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम सिर्फ, जैसे मेरे पास 7/8 है, तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर का फैक्टर्स बनाकर देखते हैं. और अगर इसके फैक्टर्स में सारे 2 आए या 5 आए या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन आए, तभी वो टर्मिनेटिंग होता है, नहीं तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होता. अब ये थोड़ा सा उन्होंने मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को कि वो टर्मिनेट तो है, बताओ कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग है. तो इसका एक बहुत इजी मेथड होता है, आप इसको एक्सपैंड कर लो. 2 × 5 × 5 × 5, तो जब हम 1, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 आएगा हमारे पास. तो ये कितने प्लेसेस बन गए, 1 2 3 1 2 3 4. तो इसका मतलब ये वाला नंबर कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 4 प्लेसेस के बाद. आपने इसको पूरा डिवाइड नहीं करके देखना, आपने इसको एक्सपेंड करना है. एक जो भी मल्टीप्लाई हो सकता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लो. जैसे मेरे पास सिर्फ ये 5 × 2 = 10 बन सकता था, बाकी मैंने एज इट इज रहने दिया. अब इसकी प्लेसेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5. आपको पता है कोई भी नंबर अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो एक 0 जरूर आएगा, 10 जरूर आएगा, अगर 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 जरूर आएगा. तो यहां से हम उसकी प्लेसेस काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4, यानी कि कितने प्लेसेस के बाद होगा, 4 के बाद. नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है अब की बार आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे. और बहुत इजी है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन. आपके पास कोई भी कंडीशन दी हो सकती है, जैसे यहां पर एक कंडीशन जनरेट करी गई है, 3 बेल्स रिंग्स एट एन इंटरवल ऑफ 4, 7 और 14 मिनट्स. 3 बेल्स हमारे पास डिफरेंट इंटरवल्स पर रिंग कर रही है, 4, 7 और 14. ऑल 3 बेल्स रिंग्स एट द 6 AM पर वो रिंग कर रही है. When will be the 3 bells will ring together next? अब आपको याद होगा आपके पास एनसीईआरटी के अंदर 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 7, सोनिया और रवि वाला, कि वो एक फील्ड पे राउंड लगा रही हैं, एक 12 मिनट में, एक 18 मिनट में, तो नेक्स्ट टाइम वो कब राउंड लगाएंगे. तो यहां पर उसको थोड़े से क्वेश्चन को मॉडिफाई करके इन्होंने 3 ले लिए, 4, 7 और 14 ले लिया, 3 डिजिट्स ले लिए. और प्लस साथ में कभी भी हमें ऐसी कोई कंडीशन निकालनी होती है कि वो नेक्स्ट टाइम टुगेदर कब आपस में फर्स्ट टाइम मीट करेंगे या कब रैंक बेल रिंग करेगी, तो वहां पर सिंपल आपको एलसीएम निकालना है. स्टूडेंट्स, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस करा था आपके साथ, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर और भी लेक्चर सर्च आउट करके फर्स्ट चैप्टर का देख सकते हैं कि जब 2 वैल्यूज होती हैं तो हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब 3 वैल्यूज होंगी तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे. तो 3 वैल्यूज का एलसीएम निकालने का मैथड होता है कि हम 3 फैक्टर्स बना लेंगे, 4 के बना लिए 2 × 2, फिर हमने 7 के बना लिए 7 × 1, और फिर 14 के बना लिए 7 × 1. इनको पावर नोटेशन में लिख लो, एचसीएफ की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने यहां इसलिए शो कर दिया कि अब आपको देखना है कि अगर सब में जो कॉमन होगा दैट विल बी नोन एज अ एचसीएफ. इफ कोई भी डिजिट कॉमन नहीं है सब में स्टूडेंट्स, तो हमें एचसीएफ 1 लेना है, कभी भी 0 नहीं लेना. इस चीज को आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे. एलसीएम निकलेगा यहां पर जितने डिजिट्स यूज हो रहे हैं, कौन कौन से दिख रहे हैं, 2 और 7, तो 2 और 7 लिखा जाएगा. फिर यहां पे इनकी हाईएस्ट पावर चेक करी जाती है कि हाईएस्ट पावर कितनी है. यहां पर 2 की हाईएस्ट पावर है 2 और 7 की 1, दैट विल बी माय आंसर. 2 × 2 × 7 = 28 मिनट्स. अब यहां पर मैं आंसर को छोड़ नहीं सकती क्योंकि इसने टाइम पूछा, तो बड़ा सिंपल सा है. 6 बजे फर्स्ट टाइम बढ़ी थी 6 AM पे, तो नेक्स्ट कब बजेगी, 28 मिनट के बाद बजेगी, तो 6 में 28 प्लस कर देंगे, तो अवर आंसर इज 6:28 AM. तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे.
नेक्स्ट नाउ वी मूव टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपकी एक्सरसाइज के अंदर स्टूडेंट्स 1.3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. 100% उसमें से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा. तो सिंपल नंबर होते हैं √2 √5, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करने वाली हूं. तो आज हम थोड़े से मिक्सिंग डिजिट्स वाले मिक्सिंग नंबर करेंगे जिसमें रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन होता है. जैसे फर्स्ट है प्रूव दैट 2 - √3 इज इरैशनल गिवन दैट √3 इज इरैशनल. स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो मिक्सिंग होती है कॉम्बिनेशंस होते हैं रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के. अब हम इसे कई बार पेपर में पढ़ गलत लेते हैं. हम √3 को लेके वो बड़ी सी थ्योरम प्रूव कर देते हैं तो हमें वो नहीं प्रूव करना है इसके अंदर. इसको हमें बहुत सिंपल तरीके से करना है. आपको पता है कभी भी इस तरह का कोई सम आ जाता है तो सबसे पहले आप उसको रैशनल मान लेते हैं और उसको ए और बी के इक्वल रखा. ए और बी क्या होता है? को प्राइम. स्टूडेंट्स आपको को प्राइम की डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए. को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता. को प्राइम्स आर दोज नंबर्स इन विच ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर. तो को प्राइम के इक्वल ले लिया. बहुत सिंपल सा स्टेप होता है. जिस तरीके से आप अलजेब्रा में एक्स या वाई की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं आपने सिर्फ √3 को आपने अलग बनाना है, बिल्कुल सेपरेट बनाना है. तो आप क्या करेंगे? मैं इसको उधर ले गई ताकि साइन इसका पॉजिटिव हो जाए और इसको इधर ले आई. तो a माइनस बी नेगेटिव हो गया. फिर मैंने यहां एलसीएम ले लिया. एलसीएम लेने के लिए नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगाया. 2 × √2b - a/b इज इक्वल टू 3. बस यहीं तक सॉल्व करना और ज्यादा इसको सॉल्व नहीं करना. अब इसमें कंडीशन अप्लाई करो. वी नो दैट आपको पता है √ के अंदर कोई भी प्राइम नंबर हो जैसे √3 √2 √5 √7 √11 √13 कोई भी √ के अंदर नंबर हो प्राइम नंबर वो इरेशनल होता है और हमें पता है √3 इज अ इरेशनल नंबर. ये दे भी रखा है तो हम लिखेंगे वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर. और इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता. रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर. स्टूडेंट्स ये पेपर में आप कंप्लीट लिखना, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना. आप लिखना रैशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर. सो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. तो जो हम मान के चले थे वो गलत हो गया. इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता. तो देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल. ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं. देखो कितना शॉर्ट में कितने इजी वे से किया है मैंने. आपने सिर्फ √ वैल्यू को अलग करना होता है और आपको पता है कि √ वाला नंबर इरेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता. तो हमने जो मानकर चले थे वो गलत हो गई हमारी अजम्पशन. तो इसीलिए जो गिवन नंबर है वो क्या है? इरेशनल. इसी की फैमिली का मैंने एक और क्वेश्चन लिखा है 3 - √5/3. सिंपल उसी तरीके से रैशनल लेट किया, ए बी के इक्वल माना. अब ये मैं इसको अगर राइट साइड पर लेकर जाती हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. ए और बी को इधर लाए. सबसे पहले 1 लगाकर एलसीएम लिया. अब मैंने आपको बताया था कि आपको रूट को बिल्कुल अलग करना है. तो ये 5 है, 5 डिवाइड में आएगा. आगे प्रोसीजर सेम चलेगा. वी नो दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर. देयरफॉर अवर अजम्पशन इज रॉन्ग. दैट्स व्हाई द गिवन नंबर इज अ इरेशनल नंबर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. आप इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्रूव दैट √7 इज अ इरेशनल नंबर गिवन दैट इसी की फैमिली का √3 इरेशनल नंबर है. तो हमें प्रूव करना है 7 + √3 इज अ इरेशनल नंबर. नेक्स्ट है 5 √2 इज अ इरेशनल नंबर. डिफाइन को प्राइम. को प्राइम मैंने आपको बता ही दिया. को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर 1 होता है. इसी तरह से 14th क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है. ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी जब दोनों वैल्यूज रूट की हो जाती हैं. तब तक आप ये ट्राई करेंगे. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सिंगल नंबर्स भी प्रूव करने सिखाऊंगी. तो अब थोड़ी सी हम बात करते हैं स्टूडेंट साइंस की. जैसे मैंने आपसे बात की हुई है कि हर वीडियोस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं साइंस के डिस्कस करूंगी. स्टूडेंट्स मेरे पास टोटल 100 क्वेश्चंस का बहुत अच्छा गेस है जिसमें से आपका चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ्स के हैं चाहे आप बेसिक मैथ्स के हैं आपका 100% पेपर बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होने वाला है. बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं. बस आप स्टे
आप कनेक्ट रहेंगे मेरे साथ, जैसे आपको वीडियोस मिलते जाएंगे आप अपनी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते जाएंगे और इस वीडियोस को शेयर भी करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अगर हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी भला हो रहा होता है। तो जो फ्रेंड्स आपके नहीं अभी तक प्रिपरेशन कर पाए या कुछ उनको डाउट्स हैं तो प्लीज आप मेरे वीडियोस उनके साथ भी शेयर करें, तो उनकी दुआ भी आपको लगेगी और आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। तो लेट्स मूव टू द साइंस पार्ट। साइंस में ये पहले 4 क्वेश्चंस मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करे हैं, तो सेकंड वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का पेज नंबर 9 पर आपको मिल जाएगा। इसका मटेरियल और एक्टिविटी 1.8 है जो मैं डिस्कस करूंगी। व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? कि सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर का पता है फॉर्मूला क्या होता है, Ag, और क्लोराइड का होता है Cl। व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स? सिल्वर क्लोराइड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट मे डीकम्पोज एज पर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये डीकम्पोज कर जाता है सनलाइट के साथ। मैंने इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगाया हुआ है। सो सबसे पहले मैंने क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl, ये सॉलिड है जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारे पास सिल्वर है वो रह जाएगा और जो क्लोरीन है वो गैस है, तो ये एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएगी, इवॉल्व हो जाएगी। तो देयरफॉर इट इज स्टोर्ड इन अ कलर्ड बॉटल्स। तभी इनको क्या किया जाता है, कलर्ड बॉटल में स्टोर किया जाता है कि ताकि जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारे पास सनलाइट के साथ एक्सपोज होकर डीकम्पोज ना हो जाए। दैट्स वाई द सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन अ डार्क कलर बॉटल्स। अच्छा, अब ये जो एग्जांपल है ना स्टूडेंट्स, ये है फोटो डीकम्पोजिशन का। जब हम यहां बात कर रहे हैं डीकम्पोज की, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस तीन तरह की होती हैं। फर्स्ट इज होते हैं जो फोटो है वो उसका थर्ड पार्ट है। जो फर्स्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो आपकी थर्मल होती है, जब हम किसी चीज को हीट से डीकम्पोज करते हैं, जब किसी सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में हीट की हेल्प से हम तोड़ते हैं पार्ट्स में। और दूसरी जो होती है वो इलेक्ट्रोलिटिक होती है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और थर्ड होती है फोटो, जिसमें लाइट यूज करी जाती है, सनलाइट, उसको हम फोटो डीकम्पोजिशन भी बोलते हैं। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, गिवन एग्जांपल ऑफ फोटो डीकम्पोजिशन। तो ये सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एंडोथर्मिक क्या होती है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक वो होती है जो हीट को यूज करती है, एब्जॉर्व करती हैं, दैट विल बी द रिएक्शंस नोन एज एंडोथर्मिक। अब इसी तरीके से अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये फोटो हमारे पास फोटो डीकम्पोजिशन है। फोटो डीकम्पोजिशन की डेफिनेशन भी आप लर्न करेंगे। अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव इन द सेम वे। अब दोनों नाम याद रखने हैं और ये आपको 100% क्वेश्चन में मिलेगा, पेपर में जरूर आएगा कहीं ना कहीं किसी भी फॉर्म के अंदर। एक हमने याद किया है सिल्वर क्लोराइड और एक हमने याद करना है सिल्वर ब्रोमाइड। ये आपको दोनों की दोनों रिएक्शंस आपको पेज नंबर 9 में मिलने वाली हैं। मैंने यहाँ पेज नंबर भी लिखा है, आप अपनी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे स्टूडेंट्स, तभी मैं आपको पेज नंबर और एक्टिविटी नंबर भी बताती जा रही हूँ साथ में कौन सी इंपॉर्टेंट है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड दोनों की दोनों सनलाइट के साथ कौन सी डीकम्पोजिशन बना रही है, फोटो डीकम्पोजिशन। तो सिल्वर ब्रोमाइड की भी इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, सिल्वर ब्रोमाइड Br सनलाइट। तो इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास सिल्वर अलग रह जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जो ब्रोमाइन है वो गैस है। द अबव रिएक्शंस ऑल्सो यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस पॉइंट को तो आप अपने दिमाग में बिठा ही लें अच्छी तरीके से। ये पूछा जाएगा क्या यूज करी जाती है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, तो आपका आंसर क्या बनने वाला है, ये दोनों की दोनों रिएक्शंस हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड सिल्वर ब्रोमाइड। डीकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। मैंने अभी बताया तीन तरह की डीकम्पोजिशन होती हैं, हीट वाले को थर्मल बोलते हैं, लाइट वाले को फोटो डीकम्पोजिशन बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाली को हम बोलते हैं, आप इलेक्ट्रिसिटी वाली आपके पास एक्टिविटी भी है, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स ऑल डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। ये भी याद रखना है, क्यों, इन सब में हीट क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट की हेल्प से ही ये अपने आप को डीकम्पोज करती हैं। एक सब्सटेंस अपने आप को सिंपलर फॉर्म में क्या करता है, डीकम्पोज करता है। तो दैट्स ऑल विद दिस सेशन स्टूडेंट्स।
अब नेक्स्ट सेशन में मैं आपके साथ बहुत अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करूंगी साइंस का, तो स्टे ट्यून विद मी। रिडॉक्स रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है। उससे पहले आप अपनी एनसीईआरटी का पेज नंबर 12 एंड 13 अच्छे तरीके से रीड करके रखना, ताकि आपको पता लग सके कि हमने उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करनी है। स्टूडेंट्स, आप वीडियो पर, आप जब वीडियो देखते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप जरूर वॉच कर, मतलब कि जरूर शेयर करें, ताकि किसी और का भी इस टाइम पर आप भला कर सकें जिनको स्टडीज में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मैथ साइंस। यू नो मैथ्स एंड साइंस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, और अगर आप इसमें आराम से पास हो जाते हैं तो आप बहुत आराम से 10th क्लियर कर लेंगे। एंड आई ऑलवेज हैव अ वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।